बेमौसमी बारिश कारण कणक की फसलों से हुई खराबे का जायजा लैन और किसानों को मुआवजा देने के किए ऐलान तो बाद एस टी एम मुकेरिया वालों खेतों का दौरा किया गया तो किसानों भी गलबात की गई। इस मौके एस टी एम ओजस्वी ने दसिया कि सरकार के दिशा निर्देशों से वह मुकेरिया कणक की खराब हुई फसल की गिरदावरी लिए आए हैं। मुकेरिया के हर एक पिंड जाके माल अधिकारियों वालों गिरदावरी की जा रही है तो किसानों उन्हों की खराब हुई फसल का उचित मुआवजा दिता जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में पूरी तरह गंभीरता लै रही है तो हर एक पीड़ित किसान को विसाखी तक मुआवजा पहुँचा दिता जाएगा। दूजे पास मौके पर मौजूद किसान ने कहा कि बेशक सरकार वालों मुआवजा देने की गल तो कही जा रही है परंतु सरकार सारे खेत का नहीं बल्कि कुछ हिस्से का ही मुआवजा देगी जो कि किसानों लिए उचित फैसला नहीं है। मुकेरिया तो हुशियारपुर न्यूज़ के नाल दिलबाग सिंह ग्रैं की रिपोर्ट। तो पहले सत श्रीकाल जी सारे मुकेरिया के सब निवासियों पिंडा पिंडा च रहने वाले सारे साढ़े किसान भरावान बेमौसमी बारिशों करके ये जोड़ा नुकसान होया है वो वास्ते पंजाब सरकार ने प्रोएक्टिवली कदम चुके ने। मानयोग साढ़े मुख्यमंत्री साहब ने हदायत कीतियां जारी कीतियां हैगियां कि सारा माल महकमा एग्रीकल्चर महकमा पिंडा पिंडा च जाके जोड़ा नुकसान होया है वो रिकॉर्डिंग की जाएगी। साढ़े जोड़ा क्रॉप इंस्पैक्शन का एक प्रॉपर परफॉर्मा होंगे वो रिकॉर्ड किया जाएगा। टाइम बाउंड प्रोसैस है जी, प्रोक्योरमेंट का सीजन भी शुरू हो जा रहा है तो असी पूरा जोर लाया हुआ कि असी सारे पिंडा बिल्कुल एंड टू एंड आप कवर करिए। तो चूंकि देखो एक ह्यूमन रिसोर्स का एक लिमिटेशन भी हैगी उस करके सारे पासों सारे टाइम पर बंदे प्रेजेंट नहीं हो सकते तो इन्हों का एक शेड्यूल भी बनया हुआ जिद हिसाब न वो पिंड कवर करेंगे। उदा ही साढ़े तहसीलदार साहब तो नायब तहसीलदार साहिबान जोड़े है वो भी पिंडा जाएंगे कानूनगो तो जाने ही जाने हैं तो मैं आप जाके पिंडा पिंडा विजिट कर रहा तो एक मौके का जायजा लै रहा कि किदा नुकसान। लगभग गल करिए तो हूँ तक किन्ने पिंड का दौरा किया गया? देखो मेरे को तीन सब डिविजन है तो मैं टांडे से भी किया है इतने दसवें से भी किया अज मैं मुकेरिया का शुरू किया है तो इस वेले तीन पिंड मैं कर ले है कवर तो होर एवरी डे आई एम प्लानिंग कि मैं घट्टो घट पाँच दस पंद्रह पिंड जरूर कवर करा। यही साड़ी जी एक्सरसाइज है जी हुणी शुरू हुई है मतलब चलो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट हजे बनने शुरू हुए हैं तो यदि कोलेशन जड़ेगी इनू कलैक्ट करन से थोड़ा जा टाइम लगना है तो सानू थोड़ा टाइम दिओ असीं तुहानू एग्जैक्ट नंबर दस देंगे। सर पिंड पिंड पहुँचियो किन्ना कु तुहानू लगदा किन्ने परसेंट नुकसान जिहड़ा हुण तक देखा गया है जी? देखो हजे मैं क्योंकि देखो 200 तो वध पिंड ने तो रीजनस से काफ़ी फर्क हो सकता है कुछ कंडी वाले एरिया से हो सकते हैं कुछ दरिया वाले एरिया से हो सकते हैं कुछ होर अपने शहर के आले दुआले पिंड हो सकते हैं तो जोड़ा नुकसान जोड़ा होंगे वो बहुत फैक्टर से डिपेंड करता है। तो मैं यही नहीं कह सकता कि जेडे पिंड हूँ मैं अज जिस तरह गया सीगा उत्थे 20% या 15% 30% हर पिंड का वक्रा नुकसान हो सकता है तो मैं ही कहना कि असी थोड़ा जहा वेट कर लिए सानू दुध का दुध पानी का पानी हो जूगा तीन चार दिन। अच्छा एस डी एम साहब थोड़े खेतों के आए आ जी कणक खराब हो चुकी है वह जायजा लैन वास्ते की भरोसा दिता गया उन्होंने वालों? भरोसा उन्होंने वालों दिता गया कि सरकार पैसे देगी पर वो पर जो परसेंटेज दस रहे उस हिसाब से जिम्मेदार कुछ कुछ भी नहीं मिलेगा। की कह रहे थोड़ी फसल उन्होंने देखी है किन्ने परसेंट नुकसान लगता सानू लगता जी 75-80% 85% साडा नुकसान आ तुसीं देख सकते हो जी भी सारी पानी के डुबी हुई खराब हुई फसल हो गई है बिल्कुल तो जे उन्होंने कहने के मुताबिक जो 10-15% लिखणगे तो वह फायदा की होगा जिम्मेदार बेनीफिट वह। We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.